Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of Incredibles. This is the new video for our channel. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम हुआ था yesterday को 28 अगस्त को और बोथ शिफ्ट 1 एंड 2 उसका कंप्लीट पेपर हम डिस्कशन करेंगे विद डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस. तो आप दोनों शिफ्ट का अच्छे तरीके से आंसर्स को देख के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं. प्लीज चेक योर स्कोर विथ द आंसर्स और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना अटेम्प्ट पता करना है. उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे लास्ट में कि कौन सा पेपर आसान था कौन सा हार्ड फ्रॉम बोथ द शिफ्ट शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू एंड व्हाट मस्ट बी द कट ऑफ जो कि मेरे स्टूडेंट से पता चला है. तो कट ऑफ क्या हो सकता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. तो अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन जो था आपका कैपिटल ऑफ पेरू आपसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है लीमा. उसके बाद कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना ये आपसे पूछा गया था. तो कैपिटल और करेंसी में आपको अपने चैनल में बार बार ही कह रहा था कि बहुत बार पूछा जा रहा है, तो आपको कैपिटल करेंसी एक बार देख के जाना था. सारा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है लेकिन लक भी मैटर करता है. आपने जो पढ़ा है वो अगर आ गया तो वेल एंड गुड है. तो ये दो आया था आपका कैपिटल और कैपिटल के बारे में पूछा गया था, करेंसी ऑप्शन नहीं पूछा गया था. वेर इज एयर एशिया लोकेटेड, तो ये आपका कुआलालंपुर है. ठीक है, बहुत लोगों ने इसे गलत किया है क्योंकि बहुत लोगों को इसका आंसर नहीं पता था. तो कुआलालंपुर इसका करेक्ट आंसर बनता है. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था. फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, बहुत लोगों ने इसका आंसर वल्लभ भाई पटेल दे दिया लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका सी आर दास और मोतीलाल नेहरू बनता है जो कि ऑप्शन में था. ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर था सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू. सो आपको अपना करेक्ट अटेम्प्ट देखते रहना है. हाँ, कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, उससे आपको नहीं डरना है क्योंकि कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा, इतना सियोरिटी है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था. ठीक है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया ऑफिशियली आपका बनियान है, बनियान ट्री दिया हुआ था ऑप्शन में. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है. तो लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है क्योंकि हम आपका पेपर का एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ के बारे में भी पता चलेगा आपको. तो कट ऑफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के बाद. नेम द स्टेट ट्री ऑफ असम, स्टेट ट्री क्या है असम का, तो ये आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ था होलोंग. ठीक है, और इसके ही जस्ट कुछ देर बाद इस वीडियो के बाद ही मैं आपको मैथ्स का भी पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर एनालिसिस कर दूंगा. साथ ही साथ मैथ का जितना क्वेश्चंस आया वो भी आपको अपने चैनल पे दे दूंगा. वो उस पार्ट को भी अच्छे से देखना है, मैथ्स में आपने कितना सही कराया आपका अटेम्प्ट. विच कलर इज नॉट इन ओलंपिक फ्लैग, तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर था वो था पर्पल, बाकी सब रेड येलो ग्रीन जो ऑप्शन में था सब आपके वहां आते हैं ओलंपिक्स फ्लैग में आते हैं. उसके बाद आपके पूछा गया था जुबिन गर्ग ने लीड रोल किया है अभी कौन से मूवी में, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पूछ दिया था आपसे क्योंकि बहुत ही फेमस हुआ था ये मूवी, क्योंकि इस मूवी का बहुत ज्यादा प्रचार किया गया था. तो द करेक्ट आंसर इज मिशन चाइना. ठीक है, मिशन चाइना वाज द करेक्ट आंसर. उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड कहाँ पे है, तो ये आपका मुंबई में है. ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कलकत्ता आंसर दिया था अगर मैंने उनसे पूछा था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मैंने चेक किया तो आपका मुंबई आएगा. हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम, तो इसका करेक्ट आंसर आता है आपका अजंता नेउग. ये फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है असम की, तो अजंता नेउग बोल के आंसर में था. ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा गया था दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था कि ग्रेजुएशन लेवल में कि बजट इस बार किसने पेश किया असम का, तो बजट कौन पेश करता है आपके, फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं, तो अजंता नेउग ने ही पेश किया. ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है. ठीक है, मतलब दोनों शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन है आपका, मल्टीपल क्वेश्चन पूछ दिया गया था. हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वॉलीबॉल, सो देयर आर सिक्स प्लेयर्स इन वॉलीबॉल. वॉलीबॉल में आपके सिक्स प्लेयर्स हैं. सो बहुत लोगों ने इसका जो आंसर है आपका वॉलीबॉल का वो गलत किया था. बहुत लोगों ने सेवन भी आंसर टिक किया है, तो इसका करेक्ट आंसर सिक्स बनता है, आपको ध्यान रखना है. उसके बाद आपका हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन खोखो, तो अगर टोटल प्लेयर हम देखें तो 12 प्लेयर्स आपके क्या होते हैं पूरे टोटल टीम में होते हैं, लेकिन खेलता कितने लोग हैं अगर मैच के समय में एक टीम में जो ईच प्लेयर खेलते हैं वो 9 होगा. तो ऑप्शन में क्या था आपको उस हिसाब से देखना और पूछा क्या था, तो मुझे जैसा क्वेश्चन मिला उसके हिसाब से 9 होगा आंसर क्योंकि कितने लोग खेलते हैं वहाँ पे था. ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से कौन रिलेट नहीं करता है, कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या रूरल अफेयर्स कुछ था आपका ऑप्शन में, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल से रिलेटेड जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर बनता है. ठीक है, उसके बाद टी रिसर्च सेंटर ऑफ जोराट आपसे पूछा था, तो टोकलाई सेंटर आपको पता ही है. ठीक है, ये बहुत बार मैंने अपने चैनल में आपको पढ़ाया. ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस पढ़ाया हुआ भी आया है और ये थोड़ा प्लेयर्स के बारे में अनकॉमन क्वेश्चंस आ गया था स्पोर्ट्स का, तो बहुत लोगों को अगर आइडिया होगा क्योंकि हम लोग बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए था, तो आप आंसर कर लेते. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम हिमालय, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है नर्मदा. ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ही
मतलब एग्जाम में थोड़ा टिपिकल बन जाता है क्योंकि उतना ध्यान में नहीं रहता इन रिवर्स के बारे में। फर्स्ट टॉकी फिल्म आसाम का पूछा गया है तो बहुत जगह मैंने देखा तो जोयमोती आंसर मिल रहा है, लेकिन मैं डाउट में हूँ कि इसका आंसर जोयमोती होगा कि वाइटी होगा। ठीक है, तो आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि आई एम इन डाउट। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि सबको इसका आंसर का पता भी चल जाए। उसके बाद क्या है, फर्स्ट असामीज एक्ट्रेस आपका पूछा था, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था, लेकिन आंसर उसका एंड्रयू हेनरिक होगा। अगर मेरा क्वेश्चन थोड़ा कुछ गलत हुआ होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप मुझे ठीक कर सकते हैं। ऑन मार्च 22 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन आसाम, तो ये आपसे पूछा था, तो 35 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होगा असम में। और लास्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपसे पूछा गया था सेकेंड सेप के पेपर में, तो आपका आंसर में तामुलपुर बोल के आंसर था शायद मेरे ख्याल से। हाँ, तो तामुलपुर वाज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आपसे पूछा गया था वेयर इज द सॉल्ट लेक लोकेटेड इन इंडिया, तो ये आपका राजस्थान में है, सामर लेक जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था जिसमें आपका बोला था सॉल्ट लेक गुजरात में, तो वो गलत ऑप्शन था, आपको गलत ऑप्शन को चूज करना था। तो जिन्होंने उस ऑप्शन को चूज किया वही करेक्ट होंगे, वो गुजरात वाला ऑप्शन ही गलत था क्योंकि राजस्थान में आपका सॉल्ट लेक। नेक्स्ट आपका था विच स्टेट बॉर्डर इज नॉट स्टेट शेयर बाउंड्री विथ आसाम, कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं करता है, द स्टेट बॉर्डर नॉट शेयर बाउंड शेयर बॉर्डर विथ आसाम, सॉरी यह नॉट नहीं था, शेयर करता है आपसे पूछा था क्वेश्चन में। तो ये दो ऑप्शन आपका होता है इसका, भूटान और बांग्लादेश, ऑप्शन में भूटान था वो करेक्ट बन रहा था आपका। ठीक है, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन सही था आपका, मुझसे थोड़ा गलती हो गया, रुकिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यह आपका सही है, द विच स्टेट बॉर्डर नॉट शेयर्स बॉर्डर विद असम, तो कौन सा स्टेट का बॉर्डर शेयर नहीं करता है बॉर्डर असम के साथ, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, यह आपका करेक्ट आंसर था सिक्किम। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग था और एक दूसरा क्वेश्चन अलग था, बोर्ड सिर्फ का मैंने क्वेश्चन लिया है इसलिए थोड़ा डाउट हो गया मुझे। उसके बाद यहाँ पे दिया है द इंटरनेशनल बॉर्डर इज शेयर बाय असम, तो ये आपका आंसर बनता है भूटान, इंटरनेशनल बॉर्डर वाला, और इससे पहले जो था आपका वो सिक्किम बनता है। नेक्स्ट है आपका मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड था, तो ये आपका वैक्सीनेशन से रिलेटेड था, तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में था इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, इम्यूनाइजेशन आपको दिया था, वो आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हग्रीवा माधव मंदिर इज लोकेटेड इन, तो इट वॉज हाजो। उसके बाद द रिवर सिचुएटेड बराक वैली, तो मुझे ऑप्शन के बारे में कुछ इसका आइडिया नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क नहीं कहूंगा, मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको पता चल जाए, और आपने क्या अटेम्प्ट किया है वो भी मुझे पता चल जाएगा। तो इसका आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। क्वेश्चन अगर देखिए, विच कंट्री टचेस बाउंड्री विद असम, तो कौन सा कंट्री टच करता है अब बाउंड्री असम के साथ, तो सेम वही आपका सेम क्वेश्चन ही हो जा रहा है, मतलब कंट्री के बारे में पूछा था तो ये भूटानी आंसर होगा, इंटरनेशनल बाउंड्री, और वही सेम क्वेश्चन फिर से आपका मिल गया इधर। तो विच ब्रिज इज एट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ असम, तो ये आपका भूपेन हाजरिका सेतु था, भूपेन हाजरिका सेतु ऑप्शन में था, वही आपका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, तो आप साथ साथ अपना स्कोर भी चेक करते रहेगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। भूपेन हाजरिका सेतु वॉज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विच कंट्री हिट्स 10,000 करोड़ इन द मार्केट इवोल्यूशन, सबसे पहला कंट्री है जो 10,000 करोड़ आपका मार्केट इवोल्यूशन कर चुका है, तो रिलायंस इसका करेक्ट आंसर बनता है। पहला कंट्री जिन्होंने इंप्लीमेंट किया था जीएसटी, इट वॉज फ्रांस, फ्रांस इज योर करेक्ट आंसर। द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस डील विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन से जो डील करता है वो आपका इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने कॉमर्स भी कह रहे थे इसका आंसर, लेकिन नहीं, सोशल साइंस का ब्रांच जो है वो आपका इकोनॉमिक्स ही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टचेस विद काजीरंगा पार्क, तो ये आपका शायद से मुझे लग रहा है ऑप्शन में जो था वो आपका कार्बी आंगलोंग सही था, कार्बी आंगलोंग सही था, बहुत लोगों ने आंसर इसका बताया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को भी आपको एक बार चेक करना है, और आपने क्या आंसर दिया और मेरा क्वेश्चन ये सही है कि नहीं आपको बताना है, क्योंकि मैंने सारे स्टूडेंट को ही एनालिसिस लेके आपको इतने सारे क्वेश्चन आपको शिफ्ट से मैंने लेके आया आपके लिए, तो आपको देखना है। हाउ मेनी स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ आसाम, तो 7 स्टेट्स शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ आसाम, द आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन रेस एंड कास्ट, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 में ये बताया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखने हमें दिया गया था आपका इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है, पब्लिश बाय इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, तो ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर करता है।
ठीक है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, इकोनॉमिक सर्वे करता है। सो इट वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था, स्टेटिस्टिकल मतलब ऑफिसर भी दिया हुआ था, तो बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा अच्छा ऑप्शन था, लेकिन आपको क्लिक इसमें करना था। और उसके बाद क्या था आपका, अनटचेबिलिटी का आर्टिकल पूछा गया था, तो ये आर्टिकल नंबर 17 था आपका करेक्ट आंसर। आर्टिकल नंबर 17 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट नॉट टू प्लेस इन 1919, तो इसमें आपका क्वेश्चन में आंसर जो दिया हुआ था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल सभी को पता है कि ये 1905 में हुआ था, तो करेक्ट आंसर ये आपका बनता था ऑप्शन के हिसाब से, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो रामसर साइट कौन सा है आसाम का, तो इसका करेक्ट आंसर, बहुत बार ये वीडियो में मैंने आपको कराया है, ये ऊपर ये दोनों ही क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो में देखने को मिला होगा। डिपोर्ट बिल बोल के आपका एक लेक है जो कि आपका रामसर साइट में है आसाम का। उसके बाद राउलेट एक्ट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन में दिया हुआ था इंप्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, राउलेट एक्ट इसी से रिलेटेड है। ह्यून सिंह किसके रेंज के ड्यूरिंग में आए थे, तो ये हर्षवर्धन करेक्ट आंसर था इसका, हर्षवर्धन। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपको मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया, और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ साथ आपको अपना स्पोर्ट्स भी चेक करना। तो आगे और देखते हैं हम, व्हाट डज जे स्टैंड इन उड़ान, तो उड़ान एक बहुत ही रिसेंट स्कीम है जिसमें आपका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, तो यहाँ पे आपका ए जो था वो आम के लिए था, आम नागरिक के लिए ए था। ठीक है, ए ए एम, ठीक है, आम नागरिक। द स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो यूपी का ही लोकसभा और राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा है आपका ऑल ओवर स्टेट में। गंगा और डेक्कन प्लेट्यू किससे डिवाइड होता है, तो ये आपका विंध्याचल या विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल बोल के ऑप्शन में था आई थिंक, ठीक है, विंध्याचल, और साथ में आपका कुछ एक और ऑप्शन में था, तो मेरे ध्यान में नहीं है। आपको अगर इसका पूरा का पूरा ऑप्शन पता है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन ऑप्शन आपका विंध्याचल, ऐसे विंध्याचल से ही शुरू होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो भी है आपका यही होगा जो आपने क्लिक किया होगा। उसके बाद व्हाट इज द स्कीम रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन जो था आपका, तो ये आपका था जल शक्ति अभियान योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर था वो था आपका जल शक्ति अभियान, और बहुत कुछ आपका दिया हुआ था ऑप्शन में, जल बचाओ आंदोलन इस तरीके का, वाटर कंजर्वेशन एक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। गोल गुंबज कहाँ पे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, तो ठीक है ये बीजापुर में है आपका, बीजापुर वाज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, क्वेश्चन आपका था विच एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव इन नेचर आपसे पूछा था, तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर ही दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर था वो आपका था प्लूटोनियम। ठीक है, ये आपको आंसर ही मैंने यहाँ पे दे दिया, प्लूटोनियम इज योर करेक्ट आंसर। ये आपसे पूछा गया था हाईएस्ट डेंसिटी क्या होता है आपका, टेम्परेचर ऑफ वाटर हाईएस्ट डेंसिटी में कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो मुझे पता चला मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और आपसे ये बताना था कि पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में पेपर का एनालिसिस हमें पूरा करना है, तो फर्स्ट और सेकंड में देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो फर्स्ट शिफ्ट जो था उसमें आपका थोड़ा मैथ टफ था, मैथ मॉडरेट लेवल का था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कहा कि मैथ आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को इजी लगा हो, लेकिन मैं मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ एवरेज से ही बनता है। ठीक है, तो मॉडरेट स्टूडेंट ने कहा, मॉडरेट था मैथ्स। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में इजी की तरफ जा रहा था मैथ्स। ठीक है, इजी से मॉडरेट की तरफ जा रहा था, इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं मैथ था। ठीक है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में पूरा का पूरा मॉडरेट पेपर आया था, तो मैथ्स का यही है आपका दोनों में। उसके बाद आपका जीके जो था फर्स्ट वाले में, जीके भी थोड़ा आपका इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम। ठीक है, इजी टू मॉडरेट इसमें बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा आसान जीके आया था आपका, लेकिन सेकेंड वाले शिफ्ट में आपका जीके यहाँ पे क्या हो गया था, मॉडरेट हो गया था। जीके यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मॉडरेट हो गया था, क्योंकि जीके का पेपर थोड़ा सा टफ था और लेंथी भी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स बढ़ा दिया गया था, जीके आपका 50 मार्क्स का कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन जीके इस पोर्शन में आपका 40 मार्क्स का था, और इंग्लिश का लेवल दोनों में ही सेम था, इंग्लिश वाज मॉडरेट टू हार्ड लिटिल बिट, क्योंकि इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स ज्यादा दिया हुआ था, तो आपका ये मॉडरेट टू हार्ड जा रहा था पेपर। तो जिन्होंने भी इंग्लिश किया होगा उसके उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों ने इंग्लिश के बारे में बताया कि सिनोनिम एंटोनिम्स भी बहुत कुछ कुछ मतलब अलग टाइप का आया हुआ था, तो यहाँ से मॉडरेट टू हार्ड भी बोल सकते हैं हम। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत हार्ड था, और जिसमें पैसेज आया था सेकंड पोर्शन में, इट वाज वेरी मच इजी, पैसेज जो इसका आया था पैसेज बहुत ही आसान था। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपका दोनों ही शिफ्ट ले दे के बराबर का ही था,
क्योंकि पहले वाले में आपका क्या हुआ था, मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, वेट ए सेकेंड। तो पहले वाले में आपका क्या हुआ था, फर्स्ट फर्स्ट वाले में आपका जो था कि मैथ थोड़ा टफ कर दिया गया था, और सेकेंड वाले में आपका जीके को टफ कर दिया गया था, और आपका जो इंग्लिश है दोनों ही में आपका सेम टू सेम इंग्लिश था, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड की तरफ। और इसमें आपका क्या, आपका पैसेज आ गया था, इसी के कारण आपका थोड़ा आसान हो गया था सेकेंड वाला का इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा आसान हो गया था आपका। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था दोनों पेपर का। तो कट ऑफ अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा। अभी मैं मेरे चैनल पे एनालिसिस कर ही रहा हूँ कट ऑफ का, तो चैनल पे आपको मैं क्वेश्चन दूंगा वहाँ पे, और कुछ कॉल करूंगा, तो आपको वहाँ पे बहुत ही एक्टिव रहना है, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से पेपर का एनालिसिस कर सके। आपका अटेम्प्ट क्या है आप मुझे बताएंगे वहाँ पे, मैं आपसे जब पूछूंगा, क्योंकि आपको आप क्वेश्चंस के हिसाब से पता चली जाएगा कि क्या करेक्ट आंसर है, तो आपको अपना करेक्ट अटेम्प्ट मुझे बताना है, उसके बाद तुक्का छोड़ के, तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्या पेपर आपका कट ऑफ जा सकता है। लेकिन अगर मैं कट ऑफ का बात करूँ तो कुछ इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम पेपर जो था वो टफ की तरफ ही जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आसान पेपर आया था, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका 150 में जनरल के लिए, अगर मैं देखूं तो जनरल के लिए आपका 110 के आसपास जा सकता है, 110 to 115, ठीक है। इसमें आप प्लस माइनस 5 कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड पेपर में 175 में हम देखें, तो ये भी पेपर आपका 120 to 125 प्लस माइनस 5 आप कर सकते हैं। तो और बाकी तो एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये आपका अभी तक का मुझे जो पता चला बच्चों ने मुझे बताया। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये कट ऑफ का एनालिसिस और पेपर एनालिसिस पहुँच सके, और डायरेक्टली सब कोई अपना डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चंस को चेक कर सके। एंड प्लीज़ चेक योर स्कोर्स, और जो भी मैंने कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा है कुछ क्वेश्चंस के बारे में, आप उसका भी डाउट सबको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा डाउट हूँ उन क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में।